हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। और आज हम लोग देखेंगे ड्रम कैसे मिक्स करते हैं। आई हैव क्यूबेस 10। ये जो प्लगइन्स मैं यूज़ करूँगा सारा मैं क्यूबेस का ही प्लगइन यूज़ करूँगा, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन मैं यूज़ नहीं करूँगा। और ये सारा जो कंसेप्ट है ये आप कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो FL स्टूडियो हो, प्रिसोना स्टूडियो 1 हो, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कि कोई भी गाना अगर आप मिक्स कर रहे हैं, उस गाने का जो इमोशनल कंटेंट है और उस गाने का जो जॉनर है, उस सारे के हिसाब से मेरे जो मिक्सिंग डिसीशंस हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो गाना है वो हम लोगों को एक बार सुन लेना पड़ेगा। সকাল থেকে সাঁজ বুল সুরেতে বাজিয়ে বাঁশি নুপুর ভাঙার কাজ। বহুত হি ছোটা সা হিসসা আপকো সুনায়া। তো ইয়ে সুন লেনে কে বাদ হম লোগো কো ইয়ে ডিসাইড করনা পড়েগা কি মিক্সিং কে জো গোলস হ্যায় ভো ক্যা হ্যায়। ড্রামস কি জব বাত আতি হ্যায়, ভেরি গুড স্টার্টিং পয়েন্ট হোয়াট আই ক্যান গিভ ইউ থ্রু দিস টিউটোরিয়াল। वो ऐसा नहीं है कि सारे गाने में ऐसा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है हर एक गाने में, हर एक जॉनर में। तो मैं फिर भी आपको एक ये जो सेमी पॉप रॉक का जो जॉनर है इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसमें ड्रम्स को मिक्स किया। पहले जो प्री मिक्सिंग फेज़ है वो डेफिनेटली हम लोगों को कर लेना चाहिए। जो मेरा हाउस कीपिंग का काम है, सारा जो ट्रैक्स है उसको कलर कर लेना, सारा जो ऑडियो फाइल्स हैं उसके जो लेवल्स हैं सारा चेक कर लेना। ऑडियो फाइल्स में अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे ग्लिप्स है, कहीं पे ग्लिचेस हैं, तो वो हम लोगों को सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा पहले। दैट कम्स अंडर ऑडियो एडिटिंग, सो दैट डजंट कम्स अंडर मिक्सिंग, सो आई वॉन्ट कवर इट। अगर आपको ये जानना है कि क्यूबेस के जो बेसिक्स हैं या फिर यहाँ पे कुछ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली आप कंप्लीट क्यूबेस कोर्स है हिंदी में, वो आप मुझे मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर देख लें। ओके, तो ड्रम्स का जो राउटिंग है ये आपको शायद पता होगा कि सारा जो है किक, स्नेयर, फिर आपका हाई हैट, टॉम्स और ओवरहेड्स सारा अलग अलग तरीके से एक ही ग्रुप में जाता है, दैट इज ड्रम बस। ड्रम बस जो है वो जाके मेरा मास्टर ट्रैक जो है, मास्टर बस जो है वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे ये जो छोटा मतलब मेरा जो ड्रम बस है इसके अंदर वी कैन क्रिएट सब बसेस। तो सारे गाने में तो ऐसा ज़रूरत नहीं होता, लेकिन इस गाने में मैंने बेस गिटार भी ड्रम बस के थ्रू ही भेजा है, क्योंकि यहाँ का बेस जो है ना बहुत ज़्यादा रिदमिक है। तो बहुत ज़्यादा रिदमिक है। तो ये इसको और किक को मैंने एक बास में भेजा है, वो जा रहा है आपका ड्रम बस में। तो ये किक और बेस ताकि बहुत ज़्यादा ग्लूड हो उसके लिए मैंने ऐसा किया है। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोनिंग ट्रैक किया है मैंने, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं किक जो है डबल है, स्नेयर जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम कि एक क्लोन करने से ना जो डेप्थ होता है साउंड का वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी है मेरे पास मैं सारा कुछ क्लोन कर दूंगा, नहीं वो नहीं है। ये जॉनर के हिसाब से जो सैम्पल यूज्ड हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे डायनामिकली आपको सोचना पड़ेगा। ये आप जितना ज़्यादा करेंगे आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मुझे क्लोन करना पड़ेगा। तो राउटिंग के बाद हम लोगों के पास जो आता है वो मैंने आपको यहाँ पे शायद दिखाना भूल गया। ये देखिए हाई हैट जो है ये ड्रम बस पे जा रहा है, OH मतलब ओवरहेड्स जो है ये ड्रम बस में जा रहा है, फिर स्नेयर जो है ये भी ड्रम बस में जा रहा है, कॉपी ऑफ स्नेयर टॉप जो है स्नेयर टॉप कॉपी है, फिर मेरा जो है यहाँ पे किक है ये भी किक एंड बेस में जा रहा है, किक एंड बेस जो है वो ड्रम बस में जा रहा है, ये मेरा ड्रम बस है, ड्रम बस जो है मास्टर ट्रैक में जा रहा है। और यहाँ पे बाकी टॉम्स कहाँ गए, हाँ टॉम्स भी है ये भी ड्रम्स में जा रहा है। तो ये मेरा हो गया राउटिंग। अभी देखते हैं इसका जो मैंने कंप्रेशन डाला है इसमें वो मैं देख लेता हूँ।
कंप्रेशन में आने के पहले एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया कि वो है करेक्टिव इक्यू। तो ये मैं जैसे ही आपको दिखाऊंगा इक्विलाइजेशन के टाइम पे ना, उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा आपको। गेटिंग भी उसमें आता है तो वो भी मैं दिखा। ड्रम्स के जो कंप्रेशन है ना, ये आपको मतलब इसका गोल क्या है कि ड्रम्स का जो स्नैप है ये सब जो है ना खुल के बाहर आना चाहिए। हाँ, ये भी जॉनर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस जॉनर में मैं ऐसा सोच रहा था कि ड्रम ग्रुप जो है तो यहां पे देखिए किक का मैंने जो डाला है ना, कंप्रेशन जो डाला है इसमें, इसका अटैक टाइम जो है, इनिशियल अटैक जो है उसको पास करने दे रहे हैं और रिलीज टाइम भी काफी कम है, गेन रिडक्शन ज्यादा नहीं है। लेकिन किक का जो एक मैंने कॉपी बनाया है उसमें जो कंप्रेशन है दैट इज क्वाइट एग्रेसिव, बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है। यहां पे जो किक का जो स्नैप है ना वो बिल्कुल बाहर आना चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे। हाई हैट पे भी मैंने ऑलमोस्ट सेम ही किया है, लेकिन यहां पे जो रिलीज है थोड़ा सा ज्यादा, और हाई हैट जो है बिल्कुल राइट में पैंट किया हुआ है। तो दिस इज अ क्वाइट के डिबेट है थोड़ा सा कि हाई हैट ऐसे बिल्कुल साइड में पैन करना सही है कि नहीं। तो यू कैन डू इट इफ यू वांट। और फिर मेरे जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स एक मिनट, तो ये मेरे ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स का जो कंप्रेशन है इसका रिलीज टाइम जो है वो काफी लंबा रहेगा, क्योंकि दिस आर लाइक यू नो इट स्टेज देयर। और अटैक भी ऐसा है जो इनिशियल इसका जो स्नैप है वो पास कर जाए। कंप्रेशन जो है, रेशियो जो है वो मॉडरेट है। यहां पे स्नेयर का काफी मैंने प्रोसेस किया है, स्नेयर को यहां पे स्नेयर का जो प्रोसेसिंग है बहुत सारे ट्रैक में बहुत तरह से हो रहा है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, मैं बस आपको दिखा रहा हूं यही कि ये जो स्नेयर है ना, यहाँ पे भी मैंने वही जो टेक्निक है पैरेलल कंप्रेशन का, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैंने वही किया है। और स्नेयर का जो रिलीज टाइम है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये स्नेयर का जो टिश 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 वो ना मुझे चाहिए पूरा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो स्नेयर का जो रिलीज टाइम है थोड़ा लंबा है यहाँ पे, और अटैक है वो इसीलिए कि थोड़ा सा ये ज़्यादा बाहर आए स्नैप जो है। तो यहाँ पे साइड चेनिंग नहीं हो रहा है, मे बी सम ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट, बट यहाँ पे जो है ना साइड चेनिंग नहीं किया है मैंने। साइड चेनिंग हो रहा है और कहीं पे इट्स पियानो एंड वोकल, वहाँ पे साइड चेनिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इक्विलाइजेशन में मैंने क्या क्या किया है। ओके, तो ड्रम्स का जो इक्विलाइजेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो किक एंड बेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई साइड चेनिंग तो किया नहीं है, तो इसीलिए मेरा जो किक एंड बेस है ना इसका फ्रीक्वेंसी मुझे सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो और जो एनोइंग फ्रीक्वेंसीज है या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए एज कंपेयर्ड टू, आई मीन एज रेफरेंस टू द टोट कंप्लीट मिक्स, वो सारा मुझे बाहर करना पड़ेगा। तो ये किक ड्रम में देखिए, सॉरी बेस गिटार में देखिए, ये जो है ना यहाँ पे मेरा जो रूट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे है, ये किक के थोड़ा नीचे है, किक जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, तो किक के भी नीचे है। और यहाँ पे किक का जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको कम किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन डाला है इसका, किक का मैंने क्या किया है, ये एक्चुअल में जो है यहां पे मैं क्या करूंगा,
ताकि बेस के लिए मैं जगह छोड़ दूं वहां पे। यहां पे मैंने पूरा का मीट जो है मैंने काट दिया है और यहां पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन ऐड किया है। यहां पे भी मैंने जो किक है ना वहां पे भी मेरा सेम ही स्ट्रेटजी है। तो बेस और बेस किक जो है वो सारा खुल के बाहर आना चाहिए, कोई एक दूसरे को मास्क नहीं करना चाहिए। और ये तो हो गया मेरा बेस गिटार। हाई हैट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा मैंने कट कर दिया है नीचे से, सिर्फ जो हाई फ्रिक्वेंसी है वहीं पे मैं फोकस कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ओवरहेड्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और स्नेयर का, हाँ स्नेयर का जो है ना ये मतलब ये आपको बहुत सुनना पड़ेगा कि कैसे उसको मिक्स करूं, कैसे कहां पे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्नेयर जो है ना ये जब मेरे पास आया था एक बॉक्सी साउंड होता है स्नेयर का, और एक जगह पे ना एक मतलब एक अनोइंग फ्रीक्वेंसीज था, तो वो सारा कुछ मुझे कट करना पड़ा था। शायद गेट है यहाँ पे, कंप्रेशन है, दिस वन आई थिंक, और मे बी दिस वन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में ना बहुत ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंसीज क्लैश कर रहे थे और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने घटाया था यहाँ पे। तो स्नेयर का एक एक्चुअली स्नेयर में एक कंपोनेंट था जो साउंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको इक्वलाइज किया था। इक्वलाइज करने का यही मेरा मतलब मोटो था कि इसका जो थोड़ा सा स्नेयर का जो बॉडी है ना वो प्रॉपरली आना चाहिए, और हाँ थोड़ा सा प्रेजेंस तो रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 100 के नीचे मैं कुछ भी पास नहीं होने दे रहा हूं। तो यहां पे एक्चुअली स्नेहर का बहुत सारा क्लोन किया हुआ है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका जो इक्विलाइजेशन है। तो मेन जो मोटो है ना वो यही है कि अराउंड 100 हर्ट्ज के नीचे आप सारा कुछ कट कर सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो अगर कोई मडिंग फ्रिक्वेंसी है, अगर कोई फ्रिक्वेंसी ऐसा है कि अननॉय कर रहा है, तो वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा आपको उससे। तो ये सब हो जाने के बाद कहीं पे मेरा सैचुरेशन या डिस्टॉर्शन ऐड करना पड़ता है। तो मैंने बेस गिटार में थोड़ा सा किया था, डिस्टॉर्शन ऐड किया था मैंने, सॉरी दिस वन, यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइजर, उसके बाद मैंने कंप्रेशन लगाया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऐड किया है, और सेंड जो है ना सेंड आपको बहुत संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किक में तो कुछ नहीं होगा, स्नेयर में चाहिए थोड़ा सा। स्नेयर में मेरा सेंड है शायद यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे है, तो सेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कितना है, वो समझ में भी आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो वोकल को या फिर कहीं और को ये ब्लॉक कर रहा है, मट कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो जाने के बाद ये सारा कुछ मेरा जा रहा है ड्रम बस पे। तो ड्रम बस पे जनरली मैं कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने वो किया नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ ड्रम बस का जो इंसर्ट है वहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऐड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कंप्रेशन भी वैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई इक्विलाइजेशन डाला नहीं है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर आपको कैरेक्टर ऐड करना होता है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ सम थर्ड पार्टी प्लगइन्स, मैं उसके बारे में भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा आगे, लेकिन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज जस्ट गुड टू गो। मैंने सारा आपको दिखा दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होना चाहिए, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट्स आता है आपके दिमाग में, तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको एडवांस क्लासेस करना है तो डेफिनेटली यू कैन रीच टू मी ओवर फेसबुक,
स्टूडियो 9 के जो पेज है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई ये चैनल पसंद आता है, कंटेंट जो है पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू सपोर्ट मी। एंड फॉर नाउ दिस इज इट, इन अंटिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टेक केयर एंड बाय बाय।